प्यारे बच्चों, आज हम लोग बाल भारती का इकाई दो यूनिट टू का पाठ दो काटो खेता काटो रे ये कविता देखेंगे। सुलेमान खतीब इसके रचयिता हैं। इनका जन्म 26 दिसंबर 1922, मृत्यु 22 अक्टूबर 1978। रचनाएं की हैं, प्रसिद्ध रचनाएं केवड़े का बन, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं केवड़े का बन। परिचय, आपने दक्षिणी हिंदी में अनेक नाटक लिखे हैं। इस कविता में दक्षिणी हिंदी का प्रयोग किया गया। दक्षिणी हिंदी माने हिंदी का बहुत अच्छा बिल्ट नहीं होता है। वहाँ दक्षिण में, दक्षिण साइड में लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। तो उसी दक्षिणी हिंदी का प्रयोग करके इन्होंने ये कविता लिखी है। कवि ने श्रम प्रतिष्ठा को महत्व देते हुए खेत से प्राप्त होने वाली संपत्ति एवं समृद्धि का गुणगान किया है। श्रम प्रतिष्ठा, श्रम प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? श्रम को महत्व देते हुए कवि ने, यानी परिश्रम ही हमारी पूंजी है, परिश्रम के बल पर हम सारे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई ऊंचाइयों को छूते हैं। इसलिए हमें परिश्रम का साथ हम नहीं छोड़ना चाहिए। इस कविता में यही कवि ने बताया है। और परिश्रम ही हमारी सबसे बड़ी श्रम, प्रतिष्ठा ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति। अगर हमें श्रम करने की ताकत है, हम श्रम कर सकते हैं, तो हम ऊंचाइयों को अवश्य छुएंगे और उससे हमको समृद्धि भी मिलेगी, हमारा गुणगान भी होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा है कविता। आइए कविता पढ़ते हैं। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे, खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। खेत में लक्ष्मी बोले रे, सोना चांदी डोले रे, पाक पवन के पल्लों में मोती मूंगे रोले रे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे, दुनिया नहाटी नहाटेंगे, झाड़ झकोले छाटेंगे। नदी नाले पाटेंगे, नई फसल काटेंगे, आँखों से आंसू पोछेंगे, जगत में खुशियाँ बाँटेंगे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाँटो रे, खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। तो इस प्रकार से इन्होंने इस कविता का वर्णन किया है। आप चित्र देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाए गए हैं। कुछ पशु चारा खा रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, माल की ढुलाई कर रहे हैं, मजदूर हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने श्रम की महत्ता को दिखाया है कि परिश्रम के बूते हम हर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये फसल लहलहा रही है, तैयार है, ये हमारे परिश्रम की ही देन है। और यहाँ पर पवन माने हवा के झोंके से फसल की, जिसको ओसाई बोलते हैं, अनाज और भूसा अलग करते हैं, वो क्रिया की जा रही है। और यहाँ पर देखिए फसल की कटाई हो रही है। तो कवि का कथन है कि काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे। बहुत ही सरल है, आप अपने शब्दों में, सरल भाषा में ही है, इसको सीख सकते हैं। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे, माने हमें खेत फसल को काटना है, घर घर रोटी बाँटो रे, और ताकि घर घर अनाज पहुंच सके, लोगों को रोटी मिल सके। खून पसीना पेरो रे, पेरो मीन्स खून और पसीना माने परिश्रम, पेरना माने परिश्रम करना। खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। अनाज के भुट्टे, ये सब देख रहे हैं आप, भुट्टे की बालियां लगी हुई हैं। तो ये सब काटने की बात, परिश्रम की बात कवि कर रहा है।
खेत में लक्ष्मी बोले रे, लक्ष्मी माने धन वैभव। तो खेत में ही हमारे परिश्रम के द्वारा ही लक्ष्मी आती है, पैसा मिलता है जिससे हम हर काम करते हैं। खेत में लक्ष्मी बोले रे, सोना चांदी डोले रे। सोना चांदी भी धन वैभव ही है। तो इस प्रकार से हम परिश्रम से खेत में से लक्ष्मी धन को, सोना चांदी जैसे कीमती वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते ही हैं। पाक पवन के पल्लों में मोती मूंगे रोले रे। यहाँ पर देखिए, पवन में हवा के द्वारा अनाज और उसकी गुठली को अलग किया जा रहा है, तो ये दिखाया गया है। पाक पवन के पल्लों में मोती मूंगे रोले, उससे मोती और मूंगा दोनों अलग हो जाता है, माने अनाज और भूसा अलग हो जाता है। वही कवि कह रहा है कि पवन के द्वारा, हवा के झोंकों के द्वारा हमको अपने परिश्रम की कीमत मिलती है, इससे वो अलग किए जाते हैं। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। वही चीज़ है, खेतों को काटना है, फसल तैयार है, घर घर रोटी, इसलिए घर घर रोटी पहुँचना चाहिए, पहुँचते। दुनिया निहाटी निहाटेंगे, झाड़ झकोले छाटेंगे। माने झाड़ झकोले, इधर उधर से जो दूसरी तरह की गतिविधियां हैं खेतों में करती हैं, झाड़ झकोले जो उगाते हैं उसको छाट करके खेत नए नए बनाते हैं, और उस तरह से उसको दुनिया निहाटी निहाटेंगे। निहाटी माने पीछे न हटना, अपने परिश्रम से पीछे न हटना। ठीक है, दूसरे पेज पर चलते हैं। नदी नाले पाटेंगे, नई फसल काटेंगे। नदी नाले पाटेंगे, ऐसी चीज़ें जो नदी हैं, नाले हैं, जो माने अच्छे खेत नहीं हैं, उनको पाट करके हमें खेत भी बनाना है। नई फसल काटेंगे, उसमें नई फसल लगाएंगे और काटेंगे। आँखों से आंसू पोछेंगे, जगत में खुशियाँ बाँटेंगे। ऐसे लोगों के आँखों से आंसू हम पोछेंगे, माने जो गरीब लोग हैं जिनको अनाज नहीं मिलता, तो किसान जो है वो अन्नदाता है, सबके घर पे अनाज देने वाला किसान ही होता है। तो वही इसमें कहा गया, आँखों से आंसू पोछेंगे, जगत में खुशियाँ बाँटेंगे, पूरे संसार में खुशियाँ बाँटेंगे। और हम ऐसे लोगों के आंसू पोछेंगे जिनको खाने को नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। वही चीज़ है, काटो खेता, खेत फसल को काटेंगे ताकि घर घर रोटी मिले। खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। खून पसीना पेरो रे माने खून पसीना और श्रम प्रतिष्ठा, जो कवि ने दिखाया है इसमें, परिश्रम ही हमारी पूंजी है। इस प्रकार से परिश्रम करके खून पसीना के द्वारा अनाज के भुट्टे काटोगे, अनाज के भुट्टों को हम काटेंगे। इसके बाद आप देखिए, इसमें कुछ चित्र वर्णन है। देखिए, यहाँ पर फसल खूब लहलहा रही है, तैयार है, और कुछ किसान इसको काट रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे किसान कुछ फसल कटाई कर रहे हैं, कुछ ओसाई कर रहे हैं, अनाज और दाने को अलग कर रहे हैं। भाव भाव से कविता बोलना है आपको। कविता में आए दक्षिणी हिंदी शब्दों का उच्चारण एवं अर्थ समझना है। कविता का एकल गुट समूह में इस कविता को गाना है, और कविता की साविनय प्रस्तुत करना है। कई बच्चे 4-5 का समूह बना करके इस कविता को सामूहिक रूप से गाएंगे। ठीक है, हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। भारत की गंगा यमुनी संस्कृति की छाप हिंदी पर भी दिखाई देती है। हमारे देश में जितनी सरलता से नए विचार, सभ्यताएं एवं संस्कृतियां रच बस कर यहीं की हो गई हैं, वैसे ही हिंदी में भी देशी विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द घुल मिलकर इसके अभिन्नंग बन गए हैं। हिंदी भारत की आत्मा है, माने हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, यह सबको जोड़ने का काम करती है। पूरे भारतवर्ष में
सभी को हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जोड़ती है। इस हिंदी की उदारता है कि हिंदी में बहुत सारे शब्दों को, उर्दू के शब्द, संस्कृत के शब्द, इंग्लिश के भी शब्द स्वीकार किए गए हैं और इसमें तरह तरह के बदलाव देखे गए हैं। दक्षिण भारत की हिंदी में इस तरह के शब्दों को आप इसमें से कविता में से देख करके लिख सकते हैं कि जो शब्द ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषा में घुल मिल करके हिंदी भाषा के अंग बन गए हैं। इसलिए हिंदी सबको जोड़ने का काम करती है। हिंदी भारत की आत्मा है और सबके दिलों में बसती है, इसलिए हिंदी सबसे सुंदर भाषा है। थैंक यू।